मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरने के 6 महीने बाद सरकार गिराने में शामिल रहे अशोकनगर से पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उपचुनाव से ठीक पहले कई बड़े खुलासे किए हैं और ये खुलासे आगे की चुनावी राजनीति में हंगामा कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है, जीतने की स्थिति में अगले 3 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास अगर नहीं किया तो फिर वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जजपाल सिंह जज्जी ने कहा, पूरी कांग्रेस हम लोगों पर पैसे लेने का आरोप लगाती है, जबकि जयवर्धन सिंह खुद उनसे कह चुके हैं कि आप पैसे नहीं ले सकते। कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है, सिंधिया जी के साथ सरकार ने गलतियां की। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जजपाल सिंह जज्जी ने बताई। बीते 6 महीने से लगातार कांग्रेस के आरोप झेल रहे जज्जी ने उनके जवाब तो नहीं दिए, मगर कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने के लिए कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो आगे की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के नए दौर शुरू कर सकते हैं। सिंधिया समर्थक जज्जी का कहना है, एक तरफ पूरी कांग्रेस 22 पूर्व विधायकों पर 35-35 करोड़ में रुकने का आरोप लगा रही है, वहीं बीते माह जब मैं जयवर्धन सिंह से मिला तो उन्होंने कहा आप पैसे नहीं ले सकते। जज्जी ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा का एहसास कांग्रेस को हो गया है। जयवर्धन सिंह ने यह भी माना, कांग्रेस सरकार से सिंधिया जी को लेकर गलतियां हुई। आपको बता दें, अभी तक कांग्रेस पार्टी सरकार गिराने को लेकर सिंधिया को कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही है। इस बातचीत में जजपाल सिंह जज्जी ने सरकार गिराने की कहानी का खुलासा करते हुए कहा, 19 विधायकों के साथ दिल्ली में जब सिंधिया जी से मैं मिला तो उनके एक बार कहने पर सारे लोगों ने इस्तीफा देने की बात कही। कांग्रेस सरकार में सिंधिया जी की एवं उनसे जुड़े विधायकों की उपेक्षा लगातार की जा रही थी। कमलनाथ सरकार द्वारा सिंधिया जी को सड़क पर उतर जाने वाले बयान के बाद सरकार गिराने की कहानी शुरू हुई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। जो काम बीते 15 महीने में मैं विधायक रहते नहीं करा पाया, उससे कई गुना ज्यादा काम बिना विधायक रहते बीजेपी से सरकार से मैंने करा लिए। अगर विधायक बनता हूँ, 3 साल रहता हूँ, फिर भी सरकार से क्षेत्र का विकास ना करा पाया तो दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।